जो है ना ये मलाई बोटी है, ये झंझुआ है, ये चटनी आई है हमारे साथ। जी भाई, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। भाई सीन अभी कुछ ऐसा है कि काफ़ी टाइम से जो है मेरा प्लान बना हुआ था कि यार एक बारबेक्यू प्लेटर पे व्लॉग होना चाहिए, और वो किसी ना किसी वजह से जो है हम नहीं बना पा रहे थे। ठीक है जी, तो आज हमें मौका मिला है और मौका मिलते ही हमारे साथ हो गया सीन। जी सीन कुछ ऐसा है, छोटी सी स्टोरी है। वो सीन ऐसा है कि मैं आज से 2.5-3 साल पहले ये गुलशन इकबाल में अलविगा बारबेक्यू या अलविगा रेस्टोरेंट है, इधर जो है बारबेक्यू प्लेटर इनका बहुत ज़्यादा जो है मज़े का था, और 3 साल पहले मैंने खाया था और मैंने सोचा कि एक और मतलब ट्राई करें और आपके साथ भी शेयर करें। लेकिन वो सीन ऐसा हुआ है कि अब हम यहाँ पहुँचे हैं तो अलविगा बंद है। तो खैर, हमारी नज़र जो है वो बराबर वाली रेस्टोरेंट में पड़ी है जिसका नाम है अर्बन तड़का। बड़ा यूनिक नेम है, अर्बन तड़का है। साजिद तो बंदा माजिद के पास पहुँच गए। हाँ, ये उल्टी बात कर रहे हैं। बात तो सही की क्या की बता, साजिद बनता पर माजिद के पास पहुंच गए। तो खैर, इनके पास भी बिल्कुल सेम टू सेम उनकी तरह बारबेक्यू प्लेटर है, और टेस्ट में जैसी बात है 3 साल पहले क्या टेस्ट था पता नहीं, अलविगा वालों ने कितना चेंजिंग की। लेकिन तो आज का जो ब्लॉग है वो अर्बन तड़के के बारबेक्यू प्लेटर पर। अच्छा जी, हम लोग जो है फैमिली प्लेटर मंगवा रहे हैं, और फैमिली प्लेटर के अंदर जो है हमारे पास जिसमें मुर्ग अनार कली है, मलाई बोटी है, चपली कबाब है, चिकन बिहारी बोटी है, चुल्लू कबाब है, रेशमी कबाब है, रायता है, चटनी है, साथ ये भाई हैं और साथ ये भाई हैं। ऑर्डर दे दिया, तकरीबन 40 मिनट कह रहे हैं क्योंकि रश बहुत है, और मैं किस तरह व्लॉग कर रहा हूँ मुझे पता है क्योंकि ना मेरे पास माइक है ना मेरे पास ट्राईपॉड है, दोनों टूट गए मेरे। खैर, अब जो है वेट करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। ये हैं हमारे उस्मान भाई, और ये हैं हम, और ये हैं हमारे अब्दुल्ला भाई, और ये हम आए हुए अर्बन तड़का पे। आ गया भाई माशाल्लाह। अबे खोल भी ले। हाय 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 हाय, क्या ही बात है, क्या ही बात है, मुंह में पानी आ गया करे साहब के। घर ले जाए इसको। यार ये जो है ना ये मलाई बोटी है, ये मेरे ख़्याल से कबाब है, कोई चपली कबाब था, ये आ गया मेरे ख़्याल सीख बोटी आ गई शायद, या गोला कबाब तो नहीं हो सकता, सीख बोटी होगी। और ये मुर्ग अनार कली था, ये भी मुर्ग अनार कली है, और ये मेरे ख़्याल से चिकन बोटी है, ये झंझुआ है, ठीक है, और ये नीचे इन्होंने राइस पुलाव और साथ दो चटनियाँ दी हैं, और साथ एक ये चटनी आई है हमारे साथ। दोनों मेरा वेट कर रहे हैं और मैंने भी रिव्यू करना है क्या क्या खाया जाए। अभी मैंने सिर्फ चपली कबाब लिया, ये फिर बेचारे खाएंगे ना यार, ये जलील हो जाएंगे बेचारे मेरे चक्कर पे। मज़े का नहीं, ऐसे नहीं, मज़ेदार। बेसिकली सीन कुछ ऐसा है ना कि बारबेक्यू प्लेटर का, कि इसमें आपको साथ पुलाव भी मिल जाता है और ऊपर ही पूरा बारबेक्यू सिस्टम मिल जाता है, डिफरेंट आइटम्स होते हैं। और अभी हमने ये हाफ मंगवाया, ठीक है जी, ये हाफ है, और अगर ये फुल होता तो ये जितने भी हमारे पास बारबेक्यू आइटम्स हैं ये डबल होते, तो वो हम 3 बंदों के लिए नहीं, मैक्सिमम 6 बंदे हैं, और अभी भी हम 3 बंदे सोच रहे हैं कि ये ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से 1100 में बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने मुर्ग अनारकली लिया है, अभी इसमें नज़र तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या करूँ, क्या करें, बेहतरीन यार, बेहतरीन। ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं, जो बारबेक्यू हम अलग से मंगवाते हैं वही चीज़ है, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बारबेक्यू मतलब बनाया हुआ है। कोई ऐसे नहीं कि एक होता ना मतलब पुलाव के ऊपर बारबेक्यू रखा और चूना मार रही, चूने वाला सीन नहीं है, एक बेहतरीन तरीके से इन्होंने बारबेक्यू पूरा ट्राई किया हुआ है। अलविगा का तो मैंने खाया हुआ था, वो भी बता दे, बाहर बैठाया हुआ है। और हमारे पुल्ला भाई की एक शिकायत है भाई, ये अर्बन तड़का वाले अगर मेरा व्लॉग कभी भी देखें ना, तो भाई की शिकायत है कि यार हमें अंदर बिठाया करो, हम छोड़ोगे तुमने बाहर बैठाया हुआ है, तो ये भाई की शिकायत है, ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। ठीक है सर, हो गया, तब तक के लिए प्लीज सर। ये पूरी थाल थी, ठीक है जी, और ये हाफ है, और ये अभी भी हम लोग छोड़ के बैठे हुए हैं। ये देखो, ये घर से बोल के आया था अब ऐसी VIP में खाऊंगा। अच्छा जी भाई, हमारा खाना पीना जो है वो हो चुका है, और अब का सीन कुछ ऐसा है कि हमारे उस्मान भाई के कहने के मुताबिक बारिश आ रही है,
और अभी बस 3-4 कतरे गिरे, लेकिन हमारे उस्मान भाई का कहना है कि बारिश आ गई। खैर बात कर लेते हैं रिव्यू पे। रिव्यू का सीन कुछ ऐसा है कि भाई मैंने तकरीबन ये जो बारबेक्यू प्लेटर है कोई 2.5 साल बाद खाया। इससे पहले ये रहा पीछे, ये मेरे पीछे ये एलवीगा, यहाँ पर मैंने खाया था और उस टाइम ये अर्बन तड़का नहीं था, अब ये ओपन हुआ है। खैर सीन कुछ ऐसा है कि भाई मैं अब 3 साल वाले टेस्ट को इससे मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं अब वो उस टाइम कैसा टेस्ट था। जो अभी लाइव टेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। जितना भी बारबेक्यू आइटम था जो हाफ हमने मंगवाया था वो बहुत ही ज़बरदस्त था, कोई मतलब गोश वगैरह में मसला नहीं था, बहुत ज़बरदस्त सब सीन था। जो उसके राइस थे, जो चावल थे, वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। इवन ये कि हाफ में वो कह रहे थे कि वो 2 पर्सन्स के लिए, लेकिन हम 3 बैठे हुए थे और तीन बगैर मतलब खाली पेट थे, लेकिन फिर भी वो बचा है और अभी हमने पार्सल करवा दिया वो। और 1100 में मेरे ख्याल से 1100 में 3 पर्सन जो अच्छा खा सकते हैं वो इनफ है, 3 पर्सन्स के लिए हाफ खा सकते हैं, ठीक है जी। और रिकमेंडेड है, मैं लोकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ये हड्डियाँ चूस के खा रहा है अभी ये, अभी अगर यहाँ व्लॉग अपनी साइड पे करूँ तो ये रख देगा, ये रख दी। आप लोग आएँ और मतलब मेरा व्लॉग देख कर अगर कोई इधर आ रहा है तो मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, इंस्टाग्राम मेरा सामने आ रहा है, ठीक है जी। और अब बस ये 7 अप ख़त्म करनी है। और क्या आ रही है? बारिश आ रही है, पता नहीं पीछे से मेरा बादल नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बारिश ये कह रहे हैं आ रही है, तो बस जाना है अभी। थोड़ा सा रिव्यू देंगे आप, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू होना चाहिए, ये नहीं हो कि बस पैसे जा रहे हैं तो रिव्यू ऑनेस्ट हो। पैसा वसूल है, हैं? पैसा वसूल है भाई। अच्छा जी सर, आप बहुत जबरदस्त, बहुत मज़े का, आवाज़ इतनी नहीं आई, माइक नहीं लगे हुए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का, बहुत मज़ा आ गया। वीडियो बन गई, बड़ा आ रहा है।